सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। एलजेपी में टूट और आंतरिक कलह पर अब तक खामोश भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को शामिल करके चिराग पासवान को एक तरीके से एनडीए से भी मुक्त कर दिया। जी हां, इसके बाद भाजपा के मोहमाया में पड़े चिराग के लिए भी असमंजस की स्थिति जो थी वो खत्म हो गई है, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां जो है वो बढ़ गई है। गठबंधन की राजनीति के मौजूदा दौर में फिलहाल चिराग अकेले पड़ गए हैं, पर उन्हें एक अवसर भी मिला है खुद को साबित करने और खुल करके राजनीति करने का। इस बीच उन्हें पार्टी सिंबल को लेकर के भी चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक में लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखना होगा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पशुपति पारस को भी अब भाजपा के हिसाब से वैसे ही चलना होगा जैसे अब तक चिराग पासवान चलते रहे। हाल फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं होना है, ऐसे में चिराग आने वाले चुनावों के लिए लोजपा को कितना संगठित और मजबूत कर पाते हैं ये उनकी राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि पारस के केंद्र में मंत्री बनने से रामविलास पासवान के समर्थक पर कोई भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी और परिवार में टूट के सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहे चिराग पर यह डिपेंड करेगा कि ताकतवर सत्तारूढ़ दलों की सियासी दांवपेच की काट को कैसे निकाल पाते हैं। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान की गढ़ी हुई लोजपा से जुड़े समर्पित कार्यकर्ताओं के हौसला बढ़ाने, उनके मनोबल को उठाने और समर्थकों को जोड़े रखने के लिए चिराग को बड़ी चतुराई से काम लेना होगा। ऐसा चिराग के करीबी नेताओं का भी मानना है। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि लोजपा को लेकर के आखिरी फैसला तो अदालत में होगा और चुनाव आयोग के रुख के बाद चीजें तय होंगी और जो भी होगा लोजपा के संविधान के मुताबिक ही होगा। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।